यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में 191 लोगों के नाम हैं और इस लिस्ट में पहले, दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम हैं। सीधे रुख करते हैं विशाल पांडे, ZBDA संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। विशाल, इस लिस्ट में दोनों खेमे का नाम है जो पहले खेमे बताए जा रहे थे, शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव, दूसरी तरफ अखिलेश यादव और उनके बाकी जो समर्थक थे, या फिर सिर्फ अखिलेश यादव के समर्थक वाली जो लिस्ट थी वो है ये? दरअसल देखिए, इसमें इटावा यशवंत नगर से अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया है। ये पहली मांग एक तरीके से मान ली है मुलायम सिंह यादव की। दूसरी अगर बात करें तो बाराबंकी की रामनगर सीट से मुलायम सिंह यादव ने बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा को टिकट देने की मांग की थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उनका टिकट काट दिया है। अरविंद सिंह को टिकट दिया है बाराबंकी की रामनगर सीट से, जो कि अखिलेश यादव के काफी करीबी बताए जाते हैं। इसके अलावा 191 की सूची में अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद के साहिबाबाद सीट से वीरेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है, गाजियाबाद से सागर शर्मा को टिकट दिया है, इसके अलावा लोनी से राशिद मलिक को टिकट दिया है। लगभग 191 नामों की सूची है ये अखिलेश यादव की, पहले, दूसरे और तीसरे चरण की। लेकिन इसमें एक चीज और अभी समझना ये बाकी है कि कई ऐसी सीटें हैं जिसपे कांग्रेस ने अपना दावा ठोका था, उनके दावा ठोकने के बाद भी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से 191 सीटों की जो उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है उसमें कई सीटों पर सपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। जैसे साहिबाबाद सीट को कांग्रेस अपने खाते में मांग रही थी, क्योंकि अमरपाल शर्मा हाल ही में भी उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, जो BSP के सिटिंग MLA हैं साहिबाबाद से। इसके अलावा अगर हम गाजियाबाद शहर की बात करें तो वहां से भी समाजवादी पार्टी ने सागर शर्मा को टिकट दिया है, कांग्रेस अपने खाते में मांग रही थी। नोएडा के दादरी सीट की बात करें तो कांग्रेस अपने लिए मांग रही थी, लेकिन वहां भी अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी को उतारा है। ठीक है, इस बात को समझना बाकी है कि आखिर सीटों का समझौता किस आधार पर हुआ है और कौन कौन सी सीटें जी अभी कांग्रेस, क्योंकि इसमें कांग्रेस की राय अभी शामिल नहीं होगी, गठबंधन का ऐलान औपचारिक तौर पर नहीं हुआ है, और क्योंकि गठबंधन का ऐलान औपचारिक तौर पर होना है तो कांग्रेस जिन सीटों को लेकर अपनी मांग रख रही थी, क्या उस पर कांग्रेस से बात बन गई है या पहले तय हो गया है, ये भी देखना होगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस गठबंधन के लिए, तो उसमें भी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस पूरी जानकारी के लिए।